30-year-old Akanksha Nigam, a PhD scholar from Almora University, is a UPSC aspirant. Her biggest concern is paper leak during the public examinations from Uttar Pradesh to Bihar. वन डे एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें ये बहुत बड़ा कंसर्न है. और हम देख रहे हैं कि इंडिया के बड़े स्टेट्स में लाइक यूपी, बिहार, एमपी, यहाँ पर लगातार ये पेपर लीक का प्रॉब्लम हो रहा है. तो यस, ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी बिग कंसर्न. आकांक्षा इज गोइंग टू कोयम्बटूर इन तमिलनाडु टू स्पेंड 3 days एट ईशा योगा सेंटर. शी लव्स ट्रेन जर्नीज. अकॉर्डिंग टू हर, इट मेक्स वन हम्बल. I love traveling. That's why I choose to go from. I choose train traveling actually. क्यों? ट्रेन में क्या खासियत है? पहली बात तो ज़्यादा समय मिलेगा ट्रेवलिंग का, और it makes, in my opinion, it makes humble. आपके लिए what will be the issue on which, as a woman, you'll cast your vote? Unemployment. Unemployment is the biggest problem. In my opinion. Why do you say that? Because I'm facing that. I'm suffering from that particular problem. Waiting for vacancies. The BJP says that India has become aspirational. Youth of India has become aspirational. So they are looking at being employment generator rather than looking at, you know, government jobs. हाँ, कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन अभी स्किल्स पे उतना काम नहीं हुआ है कि हर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बोर्ड में आ सके. लीडर्स में आपको कौन अच्छा लगता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी. ऑल ओवर वर्ल्ड में और ऑल ओवर अगर बात करें तो उन्होंने इंडिया को बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया है. किस पे भरोसा है? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, लेकिन बाकी दूसरे इश्यूज भी हैं. तो जब नेशनल सिक्योरिटी एंड दूसरे मुद्दों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ही चाहिए.